हे दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने 77th इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे लाल किले पर पीएम मोदी ने स्पीच दिया और स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम मोदी ने अलग अलग टॉपिक्स पर बात किया। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिन पर पीएम मोदी ने बात किया, जो आने वाले फ्यूचर में जरूरी है, जिन्हें हमको जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने मणिपुर पर बात किया। जब स्पीच शुरू किया पीएम मोदी ने तो मणिपुर पर बात किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में फिर से शांति स्थापित होगी और हम फिर से विकास की राह पर चलेंगे, डेवलपमेंट की राह पर चलेंगे, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी कहते हैं कि हम मणिपुर के साथ खड़े हैं और पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है और हम फिर से मणिपुर को विकास की राह पर लाएंगे और मणिपुर फिर से विकास की राह पर चलेगा। जी हां दोस्तों, आगे पीएम मोदी कहते हैं कि हम विश्वकर्मा स्कीम लेके आएंगे। विश्वकर्मा स्कीम के तहत दोस्तों अगले महीने से विश्वकर्मा योजना लागू की जाएगी। इसकी शुरुआत 15,000, यहां पर आपको दिख रहा होगा 13,000 से 15,000, तो अगले महीने से विश्वकर्मा योजना जब लागू की जाएगी तो 15,000 करोड़ रुपए से होगी इसकी शुरुआत। इस योजना के तहत कारीगरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों की मदद की जाएगी और हमारे ट्रेडिशनल स्किल्स जो होगी दोस्तों, हमारी पारंपरिक जो कौशल है दोस्तों, यानी ट्रेडिशनल स्किल, इसको बढ़ावा दिया जाएगा विश्वकर्मा स्कीम के तहत और 13,000 से 15,000 करोड़ इस स्कीम में लगाया जाएगा, पीएम मोदी ने इसके बारे में कहा। और आगे पीएम मोदी कहते हैं कि हम 2 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको ये जो बात हो रही है, ये लखपति दीदी बनाने की बात हो रही है। लखपति दीदी स्कीम नाम है दोस्तों इसका, यानी जो 2 करोड़ महिलाएं हैं, पीएम मोदी चाहते हैं कि उनको लखपति बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए और उन्हें लखपति बनाया जाए। ये हमारी जो भारतीय सरकार है पीएम मोदी के नेतृत्व में, वो ये चाहती है कि 2 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाया जाए। इसी को ही लखपति दीदी स्कीम बोला गया है। आगे बात करते हैं, पीएम मोदी ने बात किया स्टेम के बारे में। स्टेम दोस्तों दरअसल एस का मतलब हो गया साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथमेटिक्स, स्टेम का फुल फॉर्म है दोस्तों। तो पीएम मोदी ने कहा कि जो महिलाएं हैं भारत की, जो इंडिया की महिलाएं हैं, उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब में ज्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पीएम मोदी चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें स्टेम में, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब में। और दोस्तों महिलाओं के एम्पावरमेंट पर बात करते हुए, महिलाओं को किस प्रकार से और आगे बढ़ाया जाए, ये सब तो बात किया ही किया पीएम मोदी ने। और आगे टेक्नोलॉजी को लेकर भी बात किया, 6G के बारे में बात हुई और 5G के डिफरेंट फॉर्म के बारे में भी पीएम मोदी ने बात किया। आगे बात करते हैं कि पीएम मोदी ने कहा है कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। और इस बार का जो हमारा दोस्तों थीम था, वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों पीएम मोदी ने लाल किले पर स्पीच के दौरान कई सारे विशेष मुद्दों पर बात किया। जैसे पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत में एक मजबूत सरकार होने के कारण इतने सारे फैसले ले पाए, आपका जो डिसीजन था भारतीय जनता का, पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने कि आपने भारत में एक मजबूत सरकार बनाई जिसके कारण से मैंने इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए और हम इतना भारत में बदलाव ला पाए। और पीएम मोदी ने कहा कि हम 3rd नंबर पर आ जाएंगे GDP के मामले में, भारत आ जाएगा 3rd नंबर पर। ये पीएम मोदी ने हमसे वादा किया है कि आने वाले सालों में भारत 3rd नंबर पर होगा GDP के मामले में। पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर पर भी बात किया, यानी कृषि पर भी बात किया। और पीएम मोदी ने कहा कि करीब 15,000 जो 15,000 महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत उनको ड्रोन रिपेयर करना सिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन रिपेयर करना सिखाया जाएगा कि कैसे ड्रोन को रिपेयर करते हैं और उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन रिपेयर करने की। यानी फिलहाल इस बार की जो पीएम मोदी की स्पीच थी वो 90 मिनट से ज्यादा थी दोस्तों, 90 मिनट से ज्यादा थी पीएम मोदी की इस बार स्पीच, और ये सबसे बड़ी स्पीचों में से माना जा रहा है। वैसे तो सबसे बड़ी जो पीएम मोदी की स्पीच है वो 94 मिनट की है और जो सबसे छोटी है वो 55 मिनट की है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कहेंगे और आप आने वाले जो पीएम मोदी के वादे हैं, क्या उसको लेकर आप खुश हैं? आप अपने विचार क्या रखते हैं, आप अपने जवाब कमेंट्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।